हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शाज़िब, आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर, और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा ये लाइव सेशन है, इसमें हम देखेंगे बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की बिल्डिंग्स होती हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, कौन कौन सी फाउंडेशंस रहती हैं उसमें, वो सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर बिल्डिंग्स के ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे आपके ग्रुप्स हैं बिल्डिंग्स के। तो नॉर्मली लोग दो तरीके की बिल्डिंग्स के बारे में जानते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। लेकिन बिल्डिंग्स आपकी ग्रुप्स अलग अलग रहेंगे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, बाकी रेजिडेंशियल के अलावा आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, या फिर रेजिडेंशियल भी हम कह सकते हैं, तो ये सारी आपकी कमर्शियल यूज़ से भी, कमर्शियल पर्पज़ से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग्स को। तो एज़ पर NBC, जो आपका नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसके हिसाब से अगर हम ग्रुप्स की यहाँ पर बात करें, तो आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं बिल्डिंग्स के। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रुप ए में आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आती हैं। यहाँ पर इनके सब डिविजन्स भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो ग्रुप ए में आपकी सभी तरीके की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आती हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मतलब कि जहाँ भी आपको स्लीपिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारी आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। इसके बाद आपकी ग्रुप बी में आती हैं एजुकेशनल बिल्डिंग्स। एजुकेशनल बिल्डिंग्स में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमारे जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग्स में आएंगे। और यहाँ पर इसके भी सब डिविजन्स आपको दे रखे हैं, उसको हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका आता है ग्रुप सी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में हमारे जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं, नर्सिंग होम्स हैं, सैनिटेरिया है, हमारे ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, या हमारी जो जेल्स होती हैं, सेंट्रल जेल्स हैं, वो सारी आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में आते हैं। तो क्या पर्पस है, किस पर्पस से यूज़ की जाएंगी बिल्डिंग्स, उसके हिसाब से अलग अलग आपके ग्रुप्स यहाँ पर बना दिए गए हैं। इसके बाद ग्रुप डी में अगर हम आते हैं, तो ग्रुप डी में आपको दे रखा है असेंबली बिल्डिंग्स। सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स आपकी इसी ग्रुप में आती हैं। असेंबली बिल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपके जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, आपके मल्टीप्लेक्स हैं, थिएटर्स हैं, आपके जितने भी मेट्रो स्टेशन वगैरह हैं, वो सारे आपके असेंबली बिल्डिंग्स में आते हैं। इसके बाद ग्रुप ई में आपको बिजनेस बिल्डिंग्स दे रखा है। इसमें भी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, जितने भी सारे ऑफिस वगैरह रहते हैं, वो सारे बिजनेस बिल्डिंग्स में आते हैं। तो इन सारे के अभी हम सब डिविजन्स भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या इनकी कंडीशंस हैं, वो सारी हम देखने वाले हैं। इसके बाद आपका आएगा ग्रुप एफ। ग्रुप एफ में आपको दे रखा है मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स। मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स में आपके जो भी लोकल मार्केट्स होते हैं, छोटी छोटी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका रिलायंस फ्रेश होता है, इजी डे है, वी मार्ट है, तो जो छोटी छोटी मार्केट्स जो रहती हैं, वो आपकी सारी मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स में आती हैं। मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स के भी अलग अलग आपके यहाँ पर सब डिविजन्स अवेलेबल है। इसके बाद आपका आता है ग्रुप जी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आप देखेंगे आपके अलग अलग सब डिविजन्स आते हैं। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स लाइक हम अगर किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं, तो वो हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगी। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आपकी ग्रुप एच आता है। ग्रुप एच में स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, और ग्रुप जे इसमें आपको दे रखा है हैज़र्डस। तो ये सारी बिल्डिंग्स के आपके ग्रुप्स हैं एज पर NBC। ये सारा डेटा हमने NBC नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उससे लिया हुआ है, उसी में सारे ये आपके ग्रुप्स दे रखे हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम इन सारे ग्रुप्स के सब डिविजन डिस्कस करने से पहले, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ माइनर ऑक्यूपेंसी एंड व्हाट इज़ मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी। अगर हम माइनर ऑक्यूपेंसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी बिल्डिंग को सिर्फ एक ही पर्पज़ से यूज़ करते हैं, तो वो आपकी माइनर ऑक्यूपेंसी कहलाता है। दिस इज़ प्योरली इंसिडेंटल टू ऑपरेशंस एंड मैन ऑक्यूपेंसी। मतलब कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग को सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी बिल्डिंग को एक रेजिडेंशियल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, बाकी कोई अदर यूज़ नहीं है उसका बिल्डिंग का, तो वो आपकी मैन ऑक्यूपेंसी होगी। ठीक है, माइनर ऑक्यूपेंसी होगी, वो आपकी माइनर ऑक्यूपेंसी कहलाएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी, तो मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर आप किसी भी बिल्डिंग को एक से ज़्यादा, मोर देन वन पर्पज़ यूज़ करते हैं, तो वो आपकी मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी की बिल्डिंग कहलाती है। जस्ट लाइक अगर आप बात करें, जैसे कि हम जो देखते हैं रोड साइड बिल्डिंग्स होती हैं, तो रोड साइड बिल्डिंग्स में हम लोग देखते हैं कि नीचे हमने शॉप्स वगैरह बना रखी हैं, ऊपर के फ्लोर्स हम रेजिडेंशियल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो बिल्डिंग होगी आपकी, वो आपकी मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग होगी। ठीक है, वो आपकी मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी कहलाएगी। तो ये आपका हो गया माइनर और मिक्स्ड। और ग्रुप्स आपको सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसके सब डिविजन्स हम देखेंगे और इसको हम डिटेल्स में यहाँ पर समझेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम विद रेस्पेक्ट टू द हाइट बात करते हैं, तो आपकी कौन कौन सी बिल्डिंग्स होती हैं।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्रुप ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आप देखेंगे दीज शैल इंक्लूड एनी बिल्डिंग इन विच स्लीपिंग एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस और विदाउट विद और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग और बोथ फैसिलिटीज़। तो मैंने जैसे कि आपको बताया जहाँ भी आपको स्लीपिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होगी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आपको कुकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की भी जा सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है वो, ठीक है। तो अब सब डिविजन्स यहाँ पर क्या क्या है इनके, तो आप देखेंगे सब डिविजन्स में आपको दे रखा है A1 में आपको दे रखा है लॉजिंग एंड रूमिंग हाउसेज। तो लॉजिंग और रूमिंग हाउसेज जो हैं वो आपके सब डिविजन A1 में आएंगे, ये आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है। सब डिविजन A2 में हम देखेंगे 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स, जो आपके अपने घर हैं वो सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आएंगे और सब डिविजन A2 में आएंगे। A3 में आपको दे रखा है डॉर्मेट्रीज में आपके जो भी हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के हॉस्टल्स हैं या फिर आपके मिलिट्री बैरक्स हैं, वो सारे आपके A3 में आते हैं सब डिविजन में, तो वो सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की कैटेगरी में ही आएगा। इसके बाद आपके आते हैं A4 अपार्टमेंट हाउस। अगर आप किसी भी सिटी वगैरह में जाते हैं, अगर आप दिल्ली NCR में देखते हैं, तो आपकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी रखी होती हैं वो सारे आपके अपार्टमेंट हाउस कहलाते हैं। मतलब कि एक ही बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स अवेलेबल हैं, कई सारे फ्लोर की बिल्डिंग है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग हो सकती है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो सकती है, और उसमें बिल्डिंग्स में अगर उसका बड़ा एरिया है तो एक ही फ्लोर पर आपके 2-4 फ्लैट हो सकते हैं, अगर छोटा एरिया है तो हर एक फ्लोर पर हर एक फ्लैट रहेगा, तो वो सारे आपके अपार्टमेंट हाउस कहलाते हैं। अपार्टमेंट हाउस भी आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सब डिविजन A5 होटल्स। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होटल्स जो हैं वो आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, तो हैं वो आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, उसको हम कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पर आप पे करेंगे और आपको स्लीपिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जितने भी आपके सारे होटल्स हैं वो सारे आपके इसी कैटेगरी में आएंगे, या सारे आपकी होटल्स वाली बिल्डिंग्स रेसिडेंशियल की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद आपका आता है A6 स्टेरेड होटल्स। ये स्टेरेड होटल्स और होटल्स में क्या डिफरेंस है, तो आपके जो 4 स्टार कैटेगरी तक के सारे होटल्स हैं वो आपके A5 में आएंगे, और 4 स्टार से अबव जब हम जाएंगे 5 स्टार में, तो वो सारे आपके 5 स्टार होटल्स A6 की कैटेगरी में आएंगे। मतलब कि सब डिविजन A6 में आएंगे, स्टेरेड होटल्स की कैटेगरी में आएंगे, और वो सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स ही हैं। तो ये सारे सब डिविजन्स थे आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, और नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये सारा आपका थ्योरेटिकल डेटा जो है NBCC से दिखा रखा है यहाँ पर, लेकिन अभी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी कि ये क्या क्या है आपका, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर सब आपका ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग्स। अब एजुकेशनल बिल्डिंग्स में हम देखेंगे यहाँ पर आपके 2 सब डिविजन्स हैं, सब डिविजन B1 एंड सब डिविजन B2। तो आपके जो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल हैं, यानी कि आपका नर्सरी लेवल से 5th क्लास तक के स्कूल, 8th तक के, 10th तक और 12th तक के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के जो स्कूल्स हैं वो सभी आपके B1 सब डिविजन में आएंगे, यानी कि वो एजुकेशनल बिल्डिंग है लेकिन वो सब डिविजन B1 में आएगा। सब डिविजन B2 की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपका एजुकेशनल बिल्डिंग्स है लेकिन वो सब डिविजन B2 में आ रहा है, और B2 में क्या आएगा आपका, आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, और आपके जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी आपके एजुकेशनल बिल्डिंग्स के सब डिविजन B2 की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपके ग्रुप बी है। इसके बाद हम ग्रुप सी की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रुप सी में हम देखेंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। अब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, अब यहाँ पर ये आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से मतलब है कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग्स में जा रहे हैं इस तरीके की बिल्डिंग्स में, तो उसका एक कोई स्पेशल रीज़न है। अगर मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कहाँ पर जाएंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे। तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं आप, उसका रीज़न क्या है जाने का, कि आप बीमार हैं, अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो एक कोई स्पेशल रीज़न रहेगा इन तरीके की बिल्डिंग्स में जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे C1, C2 और C3 तीन आपको सब डिविजन दे रखे हैं। C1 में आपके सारे हॉस्पिटल्स एंड सैनिटेरिया। तो हॉस्पिटल्स की जितनी भी बिल्डिंग्स रहेंगी, चाहे आपका हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, सैनिटेरिया है, वो सारे आपके इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद आपको दे रखा है C2 कस्टडियल इंस्टीट्यूशंस। कस्टडियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा आपका, जितने भी आपके ऑर्फनेजेस हैं, ठीक है, आपके ऑर्फनेजेस और आपके ओल्ड एज होम, ये सारे आपके कस्टडियल इंस्टीट्यूशंस में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी व्यक्ति सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए इनकैपेबल है, तो वो सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद आपका आएगा C3 पैनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशंस। इसमें आपके जितने भी आपके मेंटल हॉस्पिटल्स रहेंगे, आपकी जेल्स वगैरह हैं, सेंट्रल जेल्स हैं, ठीक है, और इसमें आपका ये जो रहते हैं नशा मुक्ति केंद्र जिसको हम बोलते हैं, तो ये इस तरीके की, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो लाइबिलिटी है
उसके जो इनमेट्स है उसकी लाइबिलिटी को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी आपका फ्रीडम है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप देखें कि कोई कैदी है तो उसको ऐसा फ्रीडम नहीं रहता है कि वो कहीं भी घूम सकता है या किसी भी टाइम वो खाना खा सकता है। तो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं आप मेंटल हॉस्पिटल्स में देखेंगे, वहाँ पर थोड़ी सी सख्ती बरती जाती है लोगों पे, ताकि उनको वहाँ पर सुधारा जा रहा है, ठीक है, या फिर जो जिनको सज़ा वगैरह हो जाती है, जो जेल वगैरह चले जाते हैं। तो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सारी बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशनल के C3 कैटेगरी में आती हैं, जहाँ पर आपके जो इनमेट्स हैं उनकी लाइबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उनके फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो ये सारे आपके ग्रुप्स ही है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है ये आपका। इसके बाद हम आएंगे ग्रुप डी, असेंबली बिल्डिंग्स। ग्रुप डी में हम यहाँ पर देखेंगे असेंबली बिल्डिंग्स में, तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स हमारी ग्रुप डी में आती हैं। अगर ग्रुप डी में हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी ये सारे रहेंगे थिएटर्स रहेंगे, ठीक है, आपके थिएटर्स हैं, मोशन पिक्चर हाउस हैं, असेंबली हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम हैं, एग्जीबिशन हॉल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, स्केटिंग रिंग्स हैं, जिमनेशियम्स, रेस्टोरेंट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, डांस हॉल्स, क्लब रूम्स, पैसेंजर स्टेशन एंड टर्मिनल्स ऑफ एयर, सरफेस एंड मरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड स्टेडिया। तो ये सारे आपके ग्रुप डी में आएंगे, असेंबली बिल्डिंग्स में आएंगे। आपके जितने भी थिएटर्स रहेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आपके मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मतलब कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, आपके जितने भी मेट्रो स्टेशंस वगैरह हैं वो सारे आपके इसमें आएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स आती हैं इस कैटेगरी में। यहाँ पर हम देखेंगे इसके सब डिविजन कौन कौन से हैं। तो इसके सब डिविजन जो हैं वो आपको बेस्ड कर रखें कैपेसिटी के ऊपर। अगर हम यहाँ पर D1 की बात करते हैं, सब डिविजन D1, तो इसमें आपको दे रखा है बिल्डिंग्स हैविंग ए थिएट्रिकल और मोशन पिक्चर और एनी अदर स्टेज एंड फिक्स सीट्स फॉर ओवर 1000 पर्सन्स। तो यहाँ पर अगर 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर एकोमोडेशन है, सीटिंग कैपेसिटी है, तो वो सब डिविजन D1 है। तो ये सारे सब डिविजन जो आपको दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी के बेसिस पर आपको यहाँ पर सारा दिखा रखा है। D2 सब डिविजन अप टू 1000, यहाँ पर लिमिट लगा दी, 1000 तक है तो D2 कैटेगरी है। D3 में आपको यहाँ पर दे रखा है विदाउट परमानेंट स्टेज। D4 में आपको दे रखा है लेस देन 300 पर्सन। D5 में आपको दे रखा है जो भी आपके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे आपके D5 में आएंगे। D6 में आपके जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं जहाँ पर आपको मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी रिलेटेड आपको कोई बिल्डिंग दे रखी है, मान लीजिए अगर आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, वहाँ पर जाके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके आप रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं आप। तो आप एक ही बिल्डिंग को कई पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। अगर जा रहे हैं आप किसी मॉल में जा रहे हैं तो इस तरीके की बिल्डिंग्स में आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो वो आपकी असेंबली बिल्डिंग्स है, लेकिन वो सब डिविजन आपके D6 में आएगी, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा रहा है। इसके बाद आपको दे रखा है सब डिविजन D7 अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो यहाँ पर दिखा रहा है अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड, मतलब कि अगर आप देखें कि आपके जो, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपके मेट्रो स्टेशंस हैं तो मेट्रो स्टेशंस आपके एलिवेटेड मतलब कि अंडरग्राउंड भी हैं। आप यहाँ पर आपके एलिवेटेड मतलब कि आपके रोड लेवल के ऊपर भी हैं, ऊपर भी आपके बने हुए हैं ग्राउंड लेवल से, और अगर अंडरग्राउंड की हम बात करते हैं तो ज़मीन के नीचे भी आपके मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं। तो आपके चाहे एलिवेटेड हैं ऊपर से जा रहे हैं, या फिर आपकी अंडरग्राउंड हैं ज़मीन के अंदर हैं वो, या फिर आपके ग्राउंड लेवल पर ही अवेलेबल हैं, मतलब कि किसी भी फॉर्म में वो हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी लेवल पर वो हो सकते हैं। तो सारे के सारे जितने भी मेट्रो स्टेशन वगैरह हैं वो सारे आपके D7 कैटेगरी में आते हैं, D7 सब डिविजन में आएंगे ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग्स में। तो असेंबली बिल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा आपकी बिल्डिंग्स आती हैं। इसके बाद आपका आता है ग्रुप ई, बिजनेस बिल्डिंग्स। अगर हम बिजनेस बिल्डिंग्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 5 सब डिविजन दे रखे हैं, सब डिविजन E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो आपके जितने भी ऑफिस वगैरह हैं वो सारे E1 के कैटेगरी में आएंगे। E2 में आपको लेबोरेटरीज, आउट पेशेंट क्लिनिक्स, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स, लाइब्रेरीज एंड टेस्ट हाउस, ये सारे अगर आपका कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम चल रहा है तो वो आपकी E2 कैटेगरी होगी। E3 कैटेगरी में आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स, कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड कॉल सेंटर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कोई भी वर्क है तो वो आपका E3 कैटेगरी है। E4 में आपके टेलीफोन एक्सचेंजेस आते हैं और E5 में आपके ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप में आपके अलग अलग पर्पज़ से हम बिल्डिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, लाइक आपका जो भी आपके आउटलेट्स हैं, ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, वो सारे आपके मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आपको इसके 3 सब डिवीजन दे रखे हैं, सब डिवीजन F1 है, F2 है और F3 है। तो अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स जितने भी हैं वो सारे आपके F3 में आते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली में कनॉट प्लेस में आप जाते हैं तो पालिका बाजार जो है आपका पूरा अंडरग्राउंड है, तो वो सारा आपका F3 में आएगा मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स में। F2 में आपके शॉप्स, स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, मार्केट्स जिनका एरिया मोर देन 500 स्क्वायर मीटर है, तो वो आपके F2 कैटेगरी है। और F1 में अगर आपका जो एरिया है वो अप टू 500 स्क्वायर मीटर है, तो वो F1 में आएगा मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स में। तो जो भी शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ब्रांड आउटलेट्स हैं, वो सारे आपके मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स में आएंगे। इसके बाद आपकी आती है ग्रुप जी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आप देखेंगे आपको 3 सब डिवीजन यहाँ पर दे रखे हैं, लो हैज़र्ड, मॉडरेट हैज़र्ड एंड हाई हैज़र्ड। अगर हम लो हैज़र्ड की बात करते हैं, लो हैज़र्ड इंडस्ट्री, तो अगर मान लीजिए आप 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं कि एक प्रोडक्ट आपने जो बनाया उसमें किसी भी तरीके का कोई भी आग लगने का खतरा नहीं है, वो इनफ्लेमेबल नहीं, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सप्लोजिव नहीं है वो, उसमें किसी तरीके का कोई विस्फोट नहीं हो सकता, तो वो जो प्रोडक्ट है आपका, वो जो आपकी बिल्डिंग होगी वो आपकी लो हैज़र्ड इंडस्ट्री होगी। मतलब कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी किसी की जान को खतरा नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स से कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन खुद से प्रोडक्ट में ना कोई आग लग सकती, ना कोई इसमें विस्फोट हो सकता है, तो वो आपकी लो हैज़र्ड इंडस्ट्री होगी। और सारी जो बिल्डिंग इस तरीके की बनाई जाएंगी, तो NBC ये बता रहा है आपको, ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उससे पहले आप देखें कि किस यूज़ के लिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उस यूज़ के हिसाब से आपका जो है, जिस पर्पज़ से आप बना रहे हैं उस पर्पज़ के हिसाब से आपकी बिल्डिंग्स में अरेंजमेंट किए जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल है, हाईली एक्सप्लोजिव है, तो उस बिल्डिंग में ऐसे वहाँ पर इंतज़ाम किए जाएंगे कि आपकी अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी तरीके की कोई आग लग जाती है, तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। तो सारे अरेंजमेंट उसके हिसाब से किए जाएंगे, तो इसीलिए इन ग्रुप्स को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। G2 की अगर हम बात करते हैं, तो मॉडरेट लेवल पर अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप बना रहे हैं, लाइक आप लैपटॉप बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, तो इसमें या आपका कोई भी और अदर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई भी आग लग सकती है, लेकिन मॉडरेट लेवल पे, बहुत ज़्यादा आपका हाईली एक्सप्लोजन नहीं होगा उसमें, तो वो आपकी G2 इंडस्ट्री होगी, ठीक है, G2 कैटेगरी में आएगा। और हाईली एक्सप्लोजिव है तो वो आपका G3 में जाएगा। तो ये सारे ग्रुप्स इसीलिए बताए गए ताकि आपके जो बिल्डिंग्स में अरेंजमेंट है वो उसी हिसाब से किए जाएँ जिस हिसाब से आप उस बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फायर फाइटिंग वगैरह है या फिर आपका जो इमरजेंसी एग्जिट है, वो सारे आपके अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स रहती है तो उसमें कई सारे एग्जिट आपके दिए जाते हैं, इमरजेंसी एग्जिट है, फायर फाइटिंग पूरा आपका लेआउट उसका तैयार करके बनाया जाता है। रेजिडेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा इमरजेंसी एग्जिट नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग नहीं की जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जी के बाद आपका आता है ग्रुप H, स्टोरेज बिल्डिंग्स। तो स्टोरेज बिल्डिंग्स, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं, यहाँ पर स्टोरेज बिल्डिंग्स में आपकी वो बिल्डिंग्स आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो जो आपकी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की जो कंपनीज हैं, लाइक आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो ये सारे अपने वेयर हाउसेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं ये सारे उन वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं, और ये उनको मदर हब्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन जो बड़ी कंपनीज हैं, इनके वेयर हाउसेज हैं, या फिर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके गोडाउन वगैरह हैं, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, फ्रेट डिपोर्ट्स, ट्रांजिट शेड्स, स्टोर हाउसेज, ट्रक एंड मरीन टर्मिनल्स, गैरेजेस, हैंगर्स, ग्रैन एलिवेटर्स एंड बांस एंड स्टेबल्स। तो मतलब कि किसी भी तरीके की कोई बिल्डिंग है जिसमें हम कुछ भी सामान को स्टोर कर रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही है, या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म उसको यूज़ कर रही है, अगर बिल्डिंग में कुछ भी स्टोर किया जा रहा है वो आपकी स्टोरेज बिल्डिंग होगी, और वो ग्रुप H कैटेगरी में आएगी। लेकिन एक्सेप्शन केस है यहाँ पर, एक्सेप्शन केस ये है यहाँ पर कि आप किसी भी एक्सप्लोजिव या फ्लेमेबल प्रोडक्ट को यहाँ पर स्टोर नहीं करेंगे इस ग्रुप में, ग्रुप H में, क्योंकि अगर आपका कोई भी फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट आप इसमें स्टोर कर रहे हैं और किसी भी तरीके की उसमें कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, तो बाकी आपका जो नॉन एक्सप्लोजिव जो आपका मटेरियल है वो भी सारा वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो एक्सप्लोजिव जो आपके मटेरियल्स हैं या आपके फ्लेमेबल जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे आप उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, जो कि आपका यहाँ पर आपको दे रखा है ग्रुप J, हैज़र्डस बिल्डिंग्स। तो आपके इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स हैं,
लाइक आपके वीपन्स हैं, क्रैकर्स हैं, तो ये सारे आप स्टोर करेंगे ग्रुप जे में, और ग्रुप एच में आप नॉन एक्सप्लोजिव और नॉन फ्लेमेबल मटेरियल्स को ही स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे आपके थे ग्रुप्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिल्डिंग में और क्या क्या आपका रहेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग क्या है, और कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी हाई राइज और लो राइज बिल्डिंग होती है। तो हाई राइज और लो राइज बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है, एज पर एनबीसी आपके जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है तो वो आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आएगी, अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर तक है तो वो आपकी बिल्डिंग लो राइज कैटेगरी में आएगी। अगर हम देखें कि 5 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सारी आपकी लो राइज कैटेगरी में आती हैं। अब 5 फ्लोर की जो बिल्डिंग है उसमें आप देखेंगे कि एक फ्लोर की जो जनरली हाइट होती है वो 3 मीटर होती है, 3 मीटर होती है आपकी जनरली हाइट। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 15 मीटर के आसपास ही रहती है, तो वो आपकी एज ए लो राइज बिल्डिंग कंसिडर की जा रही है। अगर आपकी बिल्डिंग जो है मान लीजिए 10 फ्लोर की है तो वहाँ पर उसकी जो हाइट है वो एक्सीड कर जाएगी 15 मीटर से, तो वो आपकी बिल्डिंग जो है एज ए हाई राइज बिल्डिंग कंसिडर की जाएगी, और ये भी आपको सारा एनबीसी में दे रखा है। लेकिन ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबली आपकी बिल्डिंग्स की जो हाइट है और उनकी जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग हैं, तो उसको हम नेक्स्ट जो लाइव सेशन करेंगे उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं ग्लोबली। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने एनबीसी के हिसाब से डिस्कस किया है कि एनबीसी में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और अगर विद रेस्पेक्ट टू द हाइट हम बात करते हैं तो कौन कौन सी हमारी बिल्डिंग्स हैं लो राइज हाई राइज। अगर हम ग्लोबली बात करें तो वो आपको एनबीसी में नहीं दे रखा है, उसको अलग से हम देखेंगे समझेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। तो कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग्स में हम यहाँ पर देखेंगे सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पार्ट को। तो सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन इज द लोअर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर बहुत ईजी आप समझिए सब स्ट्रक्चर क्या है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है। सब स्ट्रक्चर में आप देखेंगे आपका जो भी फाउंडेशन का पार्ट है, यानी कि जो भी बिलो द ग्राउंड लेवल का जो पार्ट है वो सारा आपका सब स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। सब स्ट्रक्चर में आपका पार्ट लाइक आपका कोई भी फाउंडेशन वहाँ पर आपकी हो सकती है बिल्डिंग के लिए, आपकी पाइल फाउंडेशन हो सकती है, राफ्ट फाउंडेशन हो सकती है, फुटिंग्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कौन कौन सी उसको भी हम आगे देखेंगे। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि कोई भी आपका फाउंडेशन का टाइप हो सकता है, तो जो भी आपका फाउंडेशन का पार्ट है, चाहे आपकी PCC है, आपकी फुटिंग्स हैं, राफ्ट फाउंडेशन है, आपका जो भी बिलो द ग्राउंड लेवल जो कॉलम है, तो बिलो द ग्राउंड लेवल जो भी आपका पार्ट है बिल्डिंग का वो सारा आपका सब स्ट्रक्चर कहलाता है। ये सेम केस आपका बाकी दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स में भी होता है। इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर, जब हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वर्क करते हैं, जब हम फ्लोर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो वो सारा आपका सुपर स्ट्रक्चर पार्ट कहलाता है। तो सुपर स्ट्रक्चर में जो भी ग्राउंड लेवल से ऊपर चीज़ें आ रही हैं, आपका चाहे आपका फ्लोर बीम आ रहा है, कॉलम आ रहा है, स्लैब है, स्टेयरकेस है, वो सारा आपका सब स्ट्रक्चर पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को हम यहाँ से समझ लेते हैं। इसको सब स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको PCC, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका PCC, ये आपका सब स्ट्रक्चर पार्ट में क्या क्या आ रहा है, सबसे लोएस्ट पोर्शन जो है सब स्ट्रक्चर पार्ट में वो आपका PCC है। इसके बाद आपका फुटिंग आ रहा है, इसके बाद आपका नेक कॉलम आ रहा है। तो बिलो द ग्राउंड लेवल जो फाउंडेशन की डेप्थ जो आपको दे रखी है यहाँ पर सब स्ट्रक्चर पार्ट में, वो सारा आपका यहाँ पर ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसमें जो भी फुटिंग्स आ रही है, PCC आ रही है, वो सारा सब स्ट्रक्चर है। और फिर यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, प्लिंथ हाइट। प्लिंथ हाइट क्या है, तो प्लिंथ हाइट में आप देखेंगे जो आपका प्लिंथ बीम है और जो फिनिश्ड फ्लोर लेवल है आपका, ये सारा आपका प्लिंथ हाइट में आएगा। मतलब कि ग्राउंड लेवल जो एक आपका ग्राउंड लेवल होगा, मान लीजिए अगर आप किसी भी मैदान में बिल्डिंग बना रहे हैं किसी भी प्लॉट में, तो एक उसका खुद का आप कह सकते हैं कि वो NGL है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और एक लेवल वो होता है जब हम अपना फ्लोर वर्क लगा देते हैं, हम मार्बल स्टाइल्स का काम करने के बाद जो हमें एक लेवल मिलता है वो हमारा फिनिश्ड फ्लोर लेवल होता है। तो जो आपका फिनिश्ड फ्लोर लेवल है और जो आपका जो NGL जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है या जो आपका रूट लेवल है, वो जो डिस्टेंस है, जो वो डेप्थ है एक, वो आपकी प्लिंथ हाइट कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आपका प्लिंथ बीम आएगा, प्लिंथ बीम के ऊपर आपने जो भी फ्लोर वर्क किया उसका जो टॉप लेवल है इसके बीच का जो आपकी हाइट है वो सारी आपकी कहलाएगी प्लिंथ हाइट। तो सब स्ट्रक्चर के बाद ये आपका प्लिंथ हाइट आएगा, और सब स्ट्रक्चर के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट में आपका प्लिंथ बीम भी आ रहा है, आपका DPC भी आ रहा है,
आपका फिनिश्ड फ्लोर लेवल भी आ रहा है, आपका ग्राउंड फ्लोर डोर फ्रेम, आरसीसी लिंटेल, वेदर शेड, ब्रेक मैसनरी, फ्लोर बीम, ये सारे आपके रूफ स्लैब, मतलब कि जितना भी वर्क है ग्राउंड लेवल से ऊपर, वो सारा आपका सब स्ट्रक्चर पार्ट, सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में आएगा। और सीलिंग हाइट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका फिनिश्ड फ्लोर लेवल है वहाँ से लेकर के आपकी जो स्लैब का, जो सीलिंग का जो आपका पॉइंट है, वहाँ पर आपका वो सीलिंग हाइट कहलाएगा। मतलब कि आपके पास जो ओपन स्पेस है एक फ्लोर में, वो आपका सीलिंग हाइट कहलाएगा। तो ये आपका था सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सब स्ट्रक्चर। मतलब कि आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, कैसे हम वर्क स्टार्ट करेंगे अगर हमें कोई भी बिल्डिंग बनानी है, तो क्या क्या आपका क्या सीक्वेंस क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा लैंड सर्वेइंग, ठीक है। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो आपको लैंड सर्वेइंग करना है। साइट पर आपको पता करना है कि आप अगर किसी भी प्लॉट में बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपकी प्लॉट लाइंस क्या हैं। अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आपको बीच में छोटे से एरिया में बिल्डिंग बनानी है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर सर्वेइंग का वर्क करना है, आपको अपनी प्लॉट लाइंस को सेट करना है। इसके बाद आपका साइट क्लीनिंग और फेंसिंग किया जाएगा। ये सारा मैं आपको एक्चुअल इमेजेस से अभी दिखा रहा हूँ अभी। सो साइट क्लीनिंग और फेंसिंग किया जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे से यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैंड सर्वेइंग। तो लैंड सर्वेइंग जो आपका किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन एंड आपका जो ये रहेगा ऑटो लेवल, दो तीन आपके इक्विपमेंट्स रहते हैं, इनकी हेल्प से आपका लैंड सर्वेइंग किया जाएगा। इससे आपकी प्लॉट लाइंस वगैरह सारी सेट की जाएंगी कि आपकी प्लॉट लाइंस क्या हैं, कितने एरिया में आपको बिल्डिंग बनानी है, कितना ओपन स्पेस रहेगा, ये सारा आपका लैंड सर्वेइंग का वर्क किया जा रहा है। और लैंड सर्वेइंग का जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी अगर आप किसी भी एक मैदान में आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसलिए कि बहुत तरीके की आपकी घास वगैरह हो सकती है, कूड़ा कबाड़ा हो सकता है, मतलब कि कोई भी गार्बेज वगैरह है वहाँ पर, तो उस सारे को आपको पहले हटाना है वहाँ से, उसके बाद ही आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले साइट क्लीनिंग करनी पड़ेगी और आपको ड्रेसिंग मतलब कि एक लेवल में लाना पड़ेगा। आपका प्लॉट ऊँचा नीचा हो सकता है, कहीं से ज़्यादा मिट्टी है, कहीं से कम है, लेवल कम है उसका, तो इस तरीके की कंडीशन साइट पे आपको मिलेंगे। तो आपको पहले उसकी क्लीनिंग करनी है, उसको ड्रेसिंग करना है, एक लेवल में करना है, उसके बाद ही आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो लैंड सर्वेइंग के बाद आपका दूसरा जो प्रोसेस है वो आपका साइट क्लीनिंग का प्रोसेस है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे साइट बैरिकेडिंग एंड फेंसिंग। तो जब हम साइट पर वर्क स्टार्ट करेंगे तो वर्क स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमें वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल्स अपना ले जा करके रखना पड़ेगा साइट पर, कि आपको कंक्रीट कास्ट करनी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर कंक्रीट मिक्सर वगैरह ले जा करके रखेंगे अगर साइट पर कंक्रीट बना रहे हैं। आपको स्टील लगाना है फुटिंग में, कॉलम में, तो स्टील के आप अलग अलग डायमीटर के बंडल्स ले जा करके वहाँ पर रखेंगे। आप स्टील कटिंग मशीन रखेंगे, मतलब कि जो जो वर्क हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो जो हमारा वर्क है वहाँ पर, उन सारी चीज़ों में जो भी मशीनरी वगैरह, जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, वो सारा हमें साइट पर रखना है। तो अब साइट मान लीजिए आपका एक जंगल में आप बिल्डिंग बना रहे हैं, खुला हुआ एरिया है आपका, क्योंकि पहले से तो हमने बाउंड्री नहीं बना रखी है, जब बिल्डिंग बनेगी उसके बाद बाउंड्री बनाई जाएगी, तो सारा मटेरियल्स हमारा वहाँ से सेफ रहे, वहाँ पर जहाँ भी हम साइट पर रख रहे हैं वहाँ पर सेफ रहे, वहाँ से चोरी ना हो किसी भी चीज़ की। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को सेफ रखने के लिए अपने मटेरियल्स को, मशीनरी को, आप यहाँ पर बैरिकेडिंग फेंसिंग कर देंगे। आप अगर कभी रोड साइड भी चल रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने इस तरीके का टीन शेड देखा होगा, ब्लू कलर का ये लगा रहता है, ठीक है। अगर इस तरीके का आपने कहीं भी देखा है तो ये इसका मतलब है कि आपका अंदर कोई भी वर्क चल रहा है, साइट है वो आपकी, आपकी कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पर बन रहा है, बिल्डिंग हो सकती है और कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। तो ये बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि आपने जो भी मटेरियल मशीनरी वगैरह वहाँ पर रखा हुई है वो आपकी सेफ है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई चोरी वगैरह नहीं होगी, वो वहाँ पर आपने सेफ कर दिया उसको। और आपने एक दो उसके एंट्री एग्जिट डोर बना दिए कि कोई भी अगर एंट्री करता है तो वो इस गेट से ही करेगा, ऐसा नहीं है कि साइड पर कहीं से भी वो उसमें घुस जाएगा। तो बैरिकेडिंग फेंसिंग की जा रही है ताकि हमारा जो मटेरियल है और मशीनरी है वो सारी सेफ रहे वहाँ पर। तो ये आपने साइट क्लीनिंग करने के बाद बैरिकेडिंग फेंसिंग कर दी, उसके बाद अपन अपना एक्चुअल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैरिकेडिंग फेंसिंग करने के बाद अब हम करेंगे लेआउट। तो एक तो हमने लैंड सर्वेइंग कर रखा है, लैंड सर्वेइंग में हमने प्लॉट लाइंस वगैरह सेट की थी। अब लेआउट वर्क में क्या होगा, आपका जो लेआउट प्लान्स हैं, जो आपकी ड्राइंग्स बन के तैयार हुई हैं, जो आपकी आपके जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने जो आपको ड्राइंग्स बना के दी, उसमें आपको मिलते हैं लेआउट प्लान्स। फुटिंग का लेआउट प्लान होगा, कॉलम का लेआउट प्लान होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फुटिंग लेआउट प्लान की हेल्प से आपको फुटिंग का लेआउट करना है एक्चुअल ग्राउंड पे। तो ये भी आपका जो है विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल, इन दोनों की हेल्प से आपका यहाँ पर लेआउट वर्क किया जाएगा फुटिंग के लिए। तो आपको, आप अगर कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप बिल्डिंग बनाने से पहले आपको नहीं पता रहता है कहाँ पर कॉलम आएगा, कहाँ पर आपका फुटिंग आएगी, कौन सी फुटिंग किस जगह आएगी, एक फुटिंग से दूसरी फुटिंग का क्या डिस्टेंस है,
तो उसके लिए आपको सबसे पहले मार्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मार्किंग की जाएगी, लेआउट प्लान आपका देखा जाएगा, ग्रिड लाइंस का यूज़ करके एक्चुअल आपका वहाँ पर लेआउट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे। और जब आपकी मार्किंग हो जाएगी, सारी मार्किंग कर ली, उसके बाद आप अपना आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो जब मार्किंग हो जाती है, उसके बाद आपका किया जाएगा एक्सकेवेशन, क्योंकि फुटिंग जो आपको बनानी है तो आपको बिलो द ग्राउंड लेवल वर्क करना है। बिलो द ग्राउंड लेवल वर्क करने के लिए आपको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका लेआउट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप फुटिंग्स के लिए, या फिर आपकी अगर वहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन है, राफ्ट के लिए, अगर पाइल फाउंडेशन है तो पाइल के लिए आप एक्सकेवेशन का वर्क स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपका एक्सकेवेशन का वर्क वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे, जब आप एक्सकेवेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत तरीके के कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, जो कि आपकी फाउंडेशन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो जो भी आपको वहाँ पर इस तरीके के जो भी हार्मफुल इंसेक्ट्स मिलते हैं, उन सभी को आपको वहाँ पर स्प्रेस के थ्रू आपको वहाँ पर ख़त्म करना है, उनको मारना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटी टर्माइट, ATT, एंटी टर्माइट प्रोसेस की जाती है। इसमें बहुत सारे स्प्रे, अलग अलग मार्केट में केमिकल्स स्प्रे अवेलेबल हैं, उन सभी स्प्रेस को यहाँ पर किया जाता है सॉइल पे। तो जो भी आपके यहाँ पर दीमक वगैरह या जो भी आपके हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, वो सारे मर जाते हैं इस स्प्रे से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी फाउंडेशन को, आपके कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को ये ख़राब कर सकते हैं। तो ATT का प्रोसेस किया जाता है, और ये आपका एक्सकेवेशन के बाद किया जाएगा। ATT करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो ATT इस तरीके से आपका किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्प्रे यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो भी आपने एक्सकेवेशन किया उसमें यहाँ पर स्प्रे हम किए करेंगे इसको। जब एक बार स्प्रे का वर्क आप कर देंगे, ATT कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पर लेइंग पॉलीथीन शीट्स, तो पॉलीथीन शीट्स लगाई जाती हैं, और पॉलीथीन शीट्स PCC कास्ट करने से पहले लगाई जाती हैं, ताकि आपका जो PCC है, जो आपका वो कॉन्क्रीट है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट है। और जब आप एक्सकेवेशन करते हैं तो आपकी जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर अवेलेबल होता है। अगर आप यहाँ पर पॉलीथीन की शीट का यूज़ कर लेते हैं तो आपका जो मॉइस्चर है वो डायरेक्टली आपकी कॉन्क्रीट से टच नहीं होगा, मतलब कि उसका जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाएगा कॉन्क्रीट का। तो ऐसा बहुत सारी जगह किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग पैसा बचाने के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप पॉलीथीन शीट्स का यूज़ करते हैं PCC कास्ट करने से पहले, उसके ऊपर आप पॉलीथीन शीट्स के ऊपर PCC कास्ट करें। तो पॉलीथीन शीट्स लगाई जाती हैं, और अगर पॉलीथीन शीट्स आप नहीं लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि PCC कास्ट करने से पहले आप या तो स्टोन सोलिंग कर सकते हैं। स्टोन सोलिंग में आपका जो भी बड़े साइज़ का जो एग्रीगेट वगैरह है वो आप यहाँ पर अच्छे से डाल के कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर PCC कास्ट कर दें। तो या तो स्टोन सोलिंग कर सकते हैं, या आपकी ब्रिक सोलिंग हो सकती है, या सैंड फिलिंग हो सकती है। तो आपके पास जो भी वेस्ट ब्रिक्स वगैरह हैं, टूटी जो ब्रिक्स हैं, वो सारी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप PCC कास्ट करते हैं तो एक तरीके से वो स्ट्रेंथ वहाँ पर मिल रही है PCC को, उसका जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक जो है वो स्ट्रेंथ का ही पर्पस है। जब इस तरीके की चीज़ें आप कर देंगे, आपने चाहे पॉलीथीन शीट्स लगा ली, या आपने एग्रीगेट स्टोन आपने फिलिंग कर दी, या आपने ब्रिक फिलिंग कर दी, उसके बाद आप PCC कास्ट करेंगे। तो PCC जो हम कास्ट करते हैं, जो आपकी जनरली जो थिकनेस रहती है PCC की, वो 100 mm रहती है। और PCC हमेशा आपका प्रोजेक्शन लेकर के कास्ट की जाती है, और जो इसका ग्रेड रहता है वो मैक्सिमम M15 तक हम इसको यूज़ करते हैं, M5 से लेकर M15 तक यूज़ की जाती है PCC। तो PCC आपकी स्टील जो लगती है आपकी फुटिंग में, स्टील लगाने से पहले PCC कास्ट की जाएगी, PCC के ऊपर आपका स्टील लगाया जाता है। तो PCC जो है आपका प्लान सीमेंट कॉन्क्रीट है, इसमें कोई भी स्टील यूज़ नहीं किया जाएगा। जहाँ पर हम स्टील यूज़ करते हैं और स्टील के साथ कॉन्क्रीट कास्ट करते हैं, वो आपका RCC कहलाता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। तो PCC के ऊपर आपकी स्टील लगाई जाएगी डायरेक्टली। कभी भी सॉइल पे स्टील को हम ले डाउन नहीं कराते हैं। अगर आप डायरेक्टली सॉइल पे स्टील को ले डाउन कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो स्टील है वो रस्ट खा जाएगी, मतलब कि सॉइल के टच में आएगी, उस पर डस्ट आ जाएगी, और उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है स्टील की वो कम हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर का जो लाइफ स्पान है, जो आप डिज़ाइन करके चल रहे हैं, वो आपका वहाँ पर कम हो जाएगा। तो पहले PCC कास्ट की जाएगी, और PCC के बाद फिर आपका इस तरीके से स्टील लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फुटिंग मैश। तो मैश क्या है, जो आपकी दोनों ही डायरेक्शन में जो बार लगाई जा रही है, जो आपकी फुटिंग की लेंथ और ब्रेथ है दोनों डायरेक्शन में जो आपकी बार लगाई जाएगी, वो आपका मैश कहलाएगा, ठीक है। जो L और B दोनों डायरेक्शन में जो आप बार लगाएंगे, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका मैश कहलाएगा। तो आपकी जो फुटिंग है वो सिंगल मैश भी हो सकती है, डबल मैश भी हो सकती है। अगर सिर्फ आपने नीचे की साइड मैश लगा रखा है तो वो आपकी सिंगल मैश फुटिंग है, अगर आपने नीचे और ऊपर दोनों साइड मैश लगा रखा है तो वो आपकी डबल मैश फुटिंग है। तो आप फुटिंग का मैश लगाएंगे यहाँ पर, मतलब कि स्टील लगाएंगे, और उसके साथ साथ आप कॉलम का स्टील भी लगाएंगे। एक बार जब स्टील लग जाएगा, फिर यहाँ पर हम कॉन्क्रीट कास्ट करने से पहले फॉर्मवर्क लगाएंगे। फॉर्मवर्क यहाँ पर जो होगा वो आपका शटरिंग होगा। शटरिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ फॉर्मवर्क, और शटरिंग जो है आपका वर्टिकल RCC एलिमेंट के लिए लगाया जाता है। आपका फुटिंग है,
कॉलम है, आपकी वॉल्स हैं, ये सारे आपके वर्टिकल आरसीसी एलिमेंट है। तो इनके लिए आपका जो फॉर्मवर्क होगा वो शटरिंग कहलाएगा। जो स्लैब के लिए, बीम के लिए, आप जो हॉरिजॉन्टल आरसीसी एलिमेंट के लिए जो शटरिंग लगाएंगे, फॉर्मवर्क लगाएंगे, वो आपका सेंटरिंग कहलाएगा। तो सेंटरिंग और शटरिंग, शटरिंग फॉर वर्टिकल, सेंटरिंग फॉर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हमने फॉर्मवर्क लगाया, किसी भी एलिमेंट में कॉन्क्रीट को कास्ट करने से पहले आपको फॉर्मवर्क लगाना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मवर्क लगा रहे हैं, और फॉर्मवर्क जैसे ही आप लगा देते हैं उसके बाद यहाँ पर कंक्रीट को कास्ट कर दिया जाता है। जो भी ग्रेड की कंक्रीट यहाँ पर हमें ड्राइंग्स वगैरह में दे रखी है, उस ग्रेड की कंक्रीट को हम यहाँ पर कास्ट कर देंगे। तो कंक्रीट के भी बहुत सारे मेथड्स हैं अलग अलग। कंक्रीट आप साइट पे बना रहे हैं या फिर आरएमसी से ऑर्डर कर रहे हैं आप कंक्रीट, तो वो सारा अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आप फॉर्मवर्क लगाने के बाद कंक्रीट को कास्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्मवर्क जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूवल टाइम ये जो है आपको सारा कंक्रीट का जो कोड है IS 456/2000 उसमें आपको पूरा दे रखा है 456 में कि अलग अलग आरसीसी एलिमेंट के लिए रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क का टाइम क्या रहेगा। तो जैसे जैसे हम सेशन करेंगे आगे, कैलकुलेशन जब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल, तब हम देखेंगे कि आपका जो, अगर बीम में आपने फॉर्मवर्क लगाया है तो वो आपका कितने दिन में आप रिमूव कर सकते हैं, स्लैब के लिए कितने दिन में रिमूव कर सकते हैं, वर्टिकल आरसीसी एलिमेंट्स के लिए कितने दिन में रिमूव कर सकते हैं। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रिमूवल टाइम है फॉर्मवर्क का वो अलग अलग है, वो सारा आपको IS 456 में दे रखा है, उसको आगे के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप फॉर्मवर्क रिमूव कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मवर्क लगाएंगे नेक कॉलम के लिए, सेम प्रोसेस रहेगा, और फिर इसमें कॉन्क्रीट कास्ट करेंगे। इसमें कॉन्क्रीट कास्ट करने के बाद इसका भी हम रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क कर देंगे, फॉर्मवर्क इसका हम हटा देंगे। जब हम इसका एक बार फॉर्मवर्क हटा देते हैं तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल जाता है कंक्रीट का, आपको फुटिंग और उसके ऊपर आपको कॉलम यहाँ पर दिख जाता है। फिर हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे बिटुमिन पेंट। बिटुमिन पेंट क्या है, एक आपका थिक, एक तरीके की थिक लेयर है, और ये बाद में ड्राई होने के बाद एक तरीके के पॉलीथीन का ही काम करती है, मतलब कि ये वाटर प्रूफिंग का काम कर रही है। आप जब बैक फिलिंग करने से पहले, आप जैसे कि इस तरीके से फुटिंग है और यहाँ पर आपको फुटिंग और कॉलम दिख रहे हैं, अब आपको इसमें बैक फिलिंग करनी है, मट्टी भरनी है, तो मट्टी भरने से पहले, आप फिलिंग करने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर बिटुमिन पेंट की लेयर चढ़ा देंगे, एक लेयर लगा देंगे, ताकि आपका जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली आप जो बैक फिलिंग कर रहे हैं सॉइल की उससे टच ना हो। तो एक तरीके से वाटर प्रूफिंग का ये बिटुमिन पेंट काम कर रहा है, आपके स्ट्रक्चर को जो सॉइल में मॉइस्चर है उससे सेफ करके रखेगा। तो बिटुमिन पेंट की लेयर लगाएंगे कॉलम पर भी और फुटिंग पे भी, और ये जो कॉलम है आपका बिलो द ग्राउंड लेवल वो आपका नेक कॉलम कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर फिलिंग कर देंगे, तो जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, जो भी एग्रीगेट वगैरह है, ब्रिक है, वो सारे से हम यहाँ पर अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे। जब इसको यहाँ पर हम फिलिंग कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आपका ये PCC बेड लगाया जाएगा प्लिंथ बीम का। तो अब ये जो बेड वगैरह जो प्लिंथ बीम का लगाया जा रहा है, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट हो रहा है। तो सब स्ट्रक्चर में आप यहाँ तक करेंगे, ठीक है। अगर कोई बेसमेंट वगैरह, कोई बेसमेंट फ्लोर है, या आपका कोई भी इस तरीके का, मतलब कि अगर आप बिलो द ग्राउंड लेवल कोई भी फ्लोर बना के चल रहे हैं बेसमेंट फ्लोर, तो फिर आप यहाँ पर उसका पूरा वर्क करेंगे, उसका वही प्रोसेस रहेगा जो आपका फ्लोर का प्रोसेस रहेगा। तो अभी यहाँ पर हमने बैक फिलिंग तक जो किया, ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर था सब स्ट्रक्चर का पार्ट का, ठीक है। सब स्ट्रक्चर पार्ट का ये आपका प्रोसीजर था पूरा। तो आई होप अच्छे से ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि सब स्ट्रक्चर का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, बिल्डिंग के टाइप्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस की। तो ये आज हमारा फर्स्ट सेशन था बिल्डिंग का, इसी तरीके से ये कंटिन्यू आपका किया जाएगा। तो डेली हमारा जो लाइव सेशन रहेगा वो आपका 4 PM रहेगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए टाइम पे। और अलग अलग टाइप्स के प्रोजेक्ट, हाईवे, ब्रिज, सारा आपको लाइव सेशंस के थ्रू पूरे प्रोजेक्ट्स आपको कराए जाएंगे। तो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरीज वगैरह हैं वो आप लोग हमें बता सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं, उसको हम सारे देखेंगे, उसको हम आपको जो भी रेस्पॉन्स होगा आपको किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस सेशन को एंड करते हैं।